हेलो फ्रेंड, टेक विद मनीष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष कुमार चंद्रा और आज का टॉपिक है ऑटो स्विच, जो कि मैं आपको इस वीडियो में ऑटो स्विच के अंदर में एक ट्रांजिस्टर यूज होता है उसके बारे में सर्किट डायग्राम बना के बताऊंगा और इससे कौन कौन सा कंपोनेंट कनेक्ट है उसके बारे में सर्किट डायग्राम बना के बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पीसीबी सर्किट में जो ऑटो स्विच का है उसमें ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, Q1 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, उसका सर्किट डायग्राम बना के बताऊंगा और इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट कनेक्ट है उसका भी सर्किट डायग्राम बना के बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ऑटो स्विच में ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, उसका मैं आपको सर्किट डायग्राम बना के बताऊंगा। ऑटो स्विच ट्रांजिस्टर सर्किट डायग्राम, ठीक है। मेरे पास दो पीसीबी अवेलेबल है तो दो ट्रांजिस्टर जैसे कि Q1 एक पीसीबी का ट्रांजिस्टर का वैल्यू है Q1 BC547B और एक और पीसीबी सर्किट है उसका वैल्यू है Q1 TCD 100LS, ठीक है। तो मैं आपको Q1 BC547B का सर्किट डायग्राम बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा एक ट्रांजिस्टर है BC547B, इसके तीन पिन होते हैं 1, 2, 3। पहला पिन कलेक्टर का होता है, दूसरा पिन बेस का होता है, तीसरा पिन इमीटर का होता है। अब उसी के पास इसका डायग्राम है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका डायग्राम इसी तरह बनता है और ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 नंबर पिन कलेक्टर का है, 2 नंबर पिन बेस का है, 3 इमीटर का है, ठीक है। अब जो पीसीबी सर्किट में जो सर्किट डायग्राम है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं BC547B, ठीक है, पहला पिन, दूसरा पिन, तीसरा पिन। अब जो पहला पिन है वो रिले के एक पॉइंट में कनेक्ट हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट से एक रिले कनेक्ट है एक पॉइंट से, ठीक है। अब उसके बाद एक पैरेलल में दो कंपोनेंट लगे हुए हैं, एक कैपेसिटर और एक डायोड, ठीक है। जो ये हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है C5 और डायोड D9, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे पॉइंट से रिले का कनेक्ट हो जाता है दूसरे पॉइंट में, ठीक है। रिले के 5 पॉइंट होते हैं और ये दोनों के बीच में एक कॉइल लगा होता है, तो आप समझ सकते हैं कौन सा 2 पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट में एक कॉइल लगा होता है जहां से पावर सप्लाई देते हैं, ठीक है, जैसे कि 12 वोल्ट, 9 वोल्ट, 24 वोल्ट का सप्लाई देते हैं, वही 2 पॉइंट है ये दोनों, ठीक है। और ये आगे जाके डायोड D10 या D13 में कनेक्ट हो जाता है, जो कि ये हमारा डायोड एक ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसमें 2 डायोड से कनेक्ट है D13, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड नंबर पिन से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है R30। अब उसके बाद सीरीज में D7 डायोड कनेक्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं D7D। अब उसके बाद आगे जाके IC के 14 नंबर पिन में कनेक्ट
हो जाता है, जो कि इसमें आईसी लगा है LM324NS, ठीक है, LM324NS SN आईसी लगा हुआ है। अब उसके बाद जो लास्ट पिन है, ट्रांजिस्टर के लास्ट पिन है, वो आईसी के 11 नंबर पिन में कनेक्ट है, और यहीं से एक डायोड कनेक्ट है D1, और ये आगे जाके किसी कंपोनेंट के साथ कनेक्ट हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर यहाँ से एक डायोड कनेक्ट है D8, ठीक है, और यहाँ से एक आईसी के 4 नंबर पिन में कनेक्ट हो जाता है एक ट्रैक। अब उसके बाद R29 रेजिस्टेंस कनेक्ट है, फिर ये आगे जाके आईसी के 13 नंबर पिन में कनेक्ट हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब ये आगे जाके R31 रेजिस्टेंस से कनेक्ट हो जाता है। अब ये आगे जाके ब्रिज रेक्टिफायर के माइनस पॉइंट में कनेक्ट हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और अधिक से अधिक शेयर करके सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी पता चले। धन्यवाद।